सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। फिलहाल पिलनी तो मैं जुड़ गया हूं और पिलनी में दिनेश कौशिक जो कि निर्दलीय हैं और अपनी वोट मांगने के लिए जोड़ी पसारी है और कुछ गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश करी है, तो ऐसे में 25 साल का कुंडरीगा रहा है जिसमें आज तक किसे पार्टी का प्रत्याशी बने नहीं। बने कौन? निर्दलीय है। इनका किस निर्दलीय की बारी भाई? किसकी बारी? किसकी बारी? एक बार आठा का बताओ भाई, आठा का बताओ, किसकी बारी? किसकी बारी? किसकी बारी? चलो ये पिलनी गांव का माहौल आप देख रहे हो, मैं सुन रहा था प्रोफेसर साहब को। दिनेश कौशिक जी बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखा है और ये पिलनी के लोग हैं। और पिलनी के लोगों से मैं पूछूं, क्या दिनेश कौशिक की बातों से जो सामने देख बड़ा हाथ खड़े करके बताओ भाई। चलो एटी बिठा रहेगा तो तुम एटी बिठा रहे। चलो फिलहाल मैं प्रोफेसर साहब से जुगरी को नहीं, मुझे आपका इंतजार है, आप मेरे साथ चलो और आगे बढ़ो और मुझे जितवाओ, तो मुझे भी आपका इंतजार है, मेरे को भी सवाल करने हैं आपसे। तो आप ये बताओ, ये लड्डुआ था जो तोलिया गया आपको, लड्डुओं से तोलेंगे, फिलहाल जो प्यार मिल रहा है, गांव छोटा है दिल बहुत बड़ा है, इसका छोटा गांव का प्यार कितना आपके लिए? बहुत ज्यादा प्यार है और शुरू से है। ये गांव छोटा वोटों में हो सकता है लेकिन दिल में नहीं है। पूरा पुंडरी को ये प्रभावित करते हैं, हल्के को ये प्रभावित करते हैं। ब्राह्मणों का ऐसा गांव है जहां से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अप्रोच रखता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और पूरे हल्के को प्रभावित करता है। अच्छा अभी मैं आपको सुन रदाब कर दो भी, पाई आले सुई का नाक कमक लगड़ गए। मैं पिलनी पूछू, पिलनी आले सुई का नाक कमक लगड़ गए? एक मिनट आठा लो और एक बार मैं मेरे कैमरा मैन ने कहूंगा, कैमरा मैन जल्दी से फोकस करो। प्रोफेसर दिनेश कौशिक, प्रोफेसर दिनेश कौशिक, प्रोफेसर दिनेश कौशिक, सभी भाइयों को ताऊ तत्व को हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रोफेसर दिनेश कौशिक की जीत कराई जाए। मेरा ध्यान नहीं, छोटे बच्चे बताइयो भी हाथ ठहरा था तुम दोनों। देखो जब हाठ ठा रखे थे तुमने तो छोटा बच्चा भी नु हाथ ठहरा था, इसने बोला ना प्यार यह सबसे बड़ी अमीरी, लेकिन सवाल फिर भी जलेबी भर का सीधा और करेला भर का मीठा, क्या ये हाथ उठे? ये आपके लिए जो केतली के लिए आपने हाथ उठवाए, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएंगे भाई? बिल्कुल जीत में तब्दील हो पाएंगे। चलो देखो प्रोफेसर साहब, ये जो प्यार है ना जी, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बूस्टर का काम कर रहा है। अब आपको मैं सुन रहा था, आप भावुक भी हो गए थे बीच में, इमोशनल भी हो गए थे, ऐसी क्या पीड़ा है कि भी आपको भावुक होना पड़ रहा है? आपके अंदर इमोशन कौन से जाग रहे हैं? क्योंकि हमने सहा है, हमने बहुत प्रयास किया, पार्टी में प्रयास किया, टाइम पर हमें धोखा मिला, उस धोखे की वजह से भावुक हुए हैं, उसका बदला लेने की जरूरत है। हम एक राजनीतिक रूप से यहाँ प्रयास कर रहे थे, मुझे कहा गया था कि आपका टिकट है, लेकिन ऐन वक्त पे आके उस टिकट को बेच दिया गया, वो ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसने पैसे के बलबूते पर उस टिकट को ले लिया। हमारा जो मौका था, हमारा जो हक था, वो हमसे छीन लिया गया, इसीलिए ये भावुकता है। आप कह रहे हो भाई 25 साल पीछे चले जाएंगे हम, यदि अब की बार आप लोग मेरा साथ देके मेरे को नहीं जितवा तो 25 साल, हाउ इट इज पॉसिबल? 25 साल कैसे? 25 साल कैसे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे भाई समझते हैं और ये मेरा पूरा हलका समझता है, और अगर खुले शब्दों में कहा जाए कि एक बार यहाँ से ब्राह्मण बनता है, एक बार दूसरे बनते हैं, तो ब्राह्मणों के 1996 से ये रीत चली आ रही है। बिना ब्राह्मण कभी एक जाति से नहीं बन सकता, कोई भी विधायक नहीं बन सकता, हर बरादरी को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन समाज और पूरा कुंडरी हल्का हमारे ऊपर विश्वास कर रहा था, 96 में बने, फिर 2000 में कोई और बन गए, फिर 2005 में हम बने, फिर 2009 में कोई और बन गए, और 2014 में हम बने, और 2019 में कोई और बन गए। अगर अब की बारी नंबर कट गया ना, फिर दोबारा नंबर नहीं आएगा। अच्छा देखो, जब भी कोई नेता किसी गांव में, आखिरी सवाल है ये, जब भी कोई नेता किसी गांव में जाता है तो इनकी एक उम्मीद होती है, जितने भी कोठे पर चढ़ रहे हैं, ऊपर ये ऊपर चौबारा पर चढ़ रहे हैं, बाढ़ नीचे देखने लग रहे थे, इन सबकी एक उम्मीद है, ये तो बच्चे उधर से नौजवान भी देखने लग रहे हैं, इनकी उम्मीदें आपसे,
क्या पिलड़ी वालों को कह के जाना चाहते हो? यदि आपकी जोड़ी में ये वोट देते हैं और उस वोट से आप जीत भी जाते हो, ये पिलड़ी वालों को, पुंडरी वालों को क्या आप कोई ऐसी चीज बताना चाहते हो भाई जिसके वजह से आपको वोट दे, सपोर्ट करे और आपको जितवाए? मैं सारे पुंडरी वाले अपने साथियों को ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी हमारी जो मांग है इस क्षेत्र की, हमारे पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा देना, ताकि हमारे बच्चों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। जितनी भी डेवलपमेंट पुंडरी के अंदर हो सकती है वो सब डिवीजन बनने के बाद हो सकती है। विकास के कार्य होंगे तो सब डिवीजन बनने के बाद होंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आएंगे वो सब डिवीजन बनने के बाद आएंगे, और बड़े बड़े रोजगार के साधन आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, वो भी सब डिवीजन बनने के बाद आएगी। मैंने हां भी भरवा ली थी लेकिन इलेक्शन में हार गए तो वो बीच में छूट गई बात। सबसे पहला काम पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा दिलवाएंगे। चलो एक बार सारे बोलो, गले बोले, इस वीडियो ने, आप ही बोलो जी, इस वीडियो ने याना शाना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सब दो रहे शेर बब्बर शेर कर दो। चलो फिलहाल ये वोट मिलती है मोदी छवि से, मोदी साहब की छवि ऐसी है तो किसी भी नेता भी आज तक ऐसी छवि नहीं है, विनम्रता की छवि है। चलो अभी तोल लेंगे ना भाई, ये तोल लेंगे अभी। चलो ये लट्टू बनवा दिए भाई, ये देखो एक बार दिए भाई, हो दे एक माइक ठीक है भाई, एक मिनट इवे वोट पड़ी नहीं मेरी, रिजल्ट आया नहीं, लाटू बैठ दिए बंडल लग रहे हैं पहले बैंड में जीत के हम लोग। चलो आप ही बताओ क्या लग गए पुंडरी विधानसभा में 25 साल से कोई भी किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं बने, निर्दलीय बने, तो इस बार भी निर्दलीय बनेगा क्या पुंडरी में कोई? और बनेगा तो कौन है उसका नाम लिख दियो कमेंट में, दिनेश कौशिक। प्रोफेसर दिनेश कौशिक बनेंगे, और कौन बनेगा? क्लोज कर दे भाई, क्लोज।